नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है, गाय है, भैंस है, उसको अगर कराइट सांप जो होता है वह कराइट सांप काट ले तो क्या परेशानी आ सकती है। अगर परेशानी आने के बाद उसको कौन कौन सा दवा दिया जाए, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए जिससे जो पशु को वह कराइट सांप काटने से परेशानी आ गई है वह ठीक हो जाए, उसके बारे में आज हम डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए किसान भाई, बात करते हैं कि पशु को अगर जो है कराइट सांप काट ले तो क्या होगा। तो किसान भाइयों, जिस पशु को अगर सांप काट ले तो उसका जो शरीर है ठंडा पड़ जाएगी। उसके बाद जिस स्थान पर सांप काट लिया है उस स्थान पर सूजन आ जाएगी, पशु बेचैनी में रहेगी, पशु का जो आँख है वह लाल हो जाएगी और मुंह से जो है झाग आते रहेगी, लेर गिरते रहेंगे। किसान भाइयों, अगर इस तरह का अगर आपके पशु में सिप्टन दिखाई दे या फिर आप पशु को सांप काटते हुए देख लिए हैं, तब ट्रीटमेंट क्या करना है वह हम आपको बताते हैं। साथ में किसान भाइयों, जिस जगह पर अगर सांप काट ली है, कराइट नाम का जो सांप है वह काट ली है, उस स्थान का जो एरिया है उसमें सूजन आ जाती है। अब चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, जो सांप काट लेती है, चाहे वह आद ह्यूमन हो या जो जानवर हो, चाहे वह आदमी हो या जानवर हो, उसका जो इंजेक्शन है एंटी वेनम नाम का इंजेक्शन आता है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है, सिटी हॉस्पिटल में मिलता है। लेकिन जो आप अगर पशु को जो सांप काट लिया है तो तत्काल में क्या ट्रीटमेंट करना है वह हम आपको बताते हैं। तो तत्काल में जो ट्रीटमेंट करना है वह सबसे पहले तो पशु को एक एविल लगा देना है। एविल जो कि किसी भी कंपनी का एविल वह लगा सकते हैं, चाहे LMB कंपनी का जीट हो गया या पनेसिया कंपनी का पैनाविल हो गया या इंटास कंपनी का एनिस्टामिन हो गया या जो मार्क कंपनी का एलरविल हो गया, किसी भी कंपनी का एविल लगा देना है। जैसे कि अभी हम दो कंपनी का एविल बता देते हैं, जो कि यह जो है LMB कंपनी का जीट नाम से है और यह जो पैनाविल है पनेसिया कंपनी का पैनाविल नाम से, यह इंजेक्शन लगा देना है। पशु अगर 4 क्विंटल है करीब है तो 20 से 25 ml लगाना है, अगर 2 क्विंटल है करीब है तो उसको आप 10 से 12 ml लगाइए, उससे भी छोटा है 1 क्विंटल करीब है तो 6 से 7 ml लगाइए। किसान भाइयों, यह इंजेक्शन देने के बाद आपको एक और इंजेक्शन लगा देना है जो कि एट्रोपिन नाम से आता है, एट्रोपिन जिसका जो साल्ट है एट्रोपिन सल्फेट, यह इंजेक्शन लगाना है। बड़ा पशु है, 4 क्विंटल करीब है तो उसको जो है आप यह इंजेक्शन 20 ml लगा दीजिए, छोटा पशु है 2 क्विंटल करीब है तो उसको आप 10 ml लगाइए, उससे भी छोटा है 1 क्विंटल करीब है तो उसको 5 ml लगाइए। किसान भाई, यह दोनों इंजेक्शन देने के बाद आप उसको एक इंजेक्शन और दे दीजिए, डेक्सोना जिसका जो साल्ट है डेक्सामेथाजोन, यह जो है जाइडस कंपनी भी बनाता है, मार्ग कंपनी का भी बनाता है, कोई भी कंपनी का जो डेक्सामेथाजोन है इस साल्ट का इंजेक्शन आपको लगा देना है। ध्यान रहे किसान भाइयों, यह डेक्सोना नाम से इंजेक्शन है, आप उसी पशु को लगाइए जो गर्भवती नहीं है, जो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर पशु गाभिन है तो यह इंजेक्शन छोड़ करके आप जो है आइसोफ्लोराडोन का कंपोजिशन का इंजेक्शन लीजिए, जैसे कि यह इंजेक्शन जो है टिकोला नाम से बताते हैं, जो कि न्यूट्रीवेट कंपनी का आता है, बड़ा पशु है 4 क्विंटल का करीब है तो आप उसको यह 10 ml दे दीजिए, छोटा पशु है 2 क्विंटल करीब है तो 5 ml दे दीजिए, उससे भी छोटे 1 क्विंटल करीब है तो 1 ml लगाइए। वह जो इंजेक्शन बताया है टिकोला नाम से, अगर पशु प्रेग्नेंट है तो वह लगाइए, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो यह जो डेक्सोना नाम का इंजेक्शन है जिसका साल्ट है डेक्सामेथाजोन, यह लगाइए। अगर बड़ा पशु है 4 क्विंटल करीब तो 5 ml लगा दीजिए, छोटा पशु है 2 क्विंटल करीब तो 2.5 ml,
अगर उससे भी छोटे एक कुंटल के करीब तो एक से डेढ़ ml लगाइए। किसान भाइयों, यह तीनों इंजेक्शन लगाने के बाद आपको एक और इंजेक्शन लगा देना है, जो कि होता है क्या कि पशु को जब क्रैट साफ करती है तो उसमें इतना ज़्यादा डंक होता है, इतना ज़्यादा कि वह पशु दर्द से बेचैन हो जाती है। तो दर्द के लिए भी एक इंजेक्शन लगा दीजिए, जैसे कि मेनोलेक्स पावर, जो कि इंटास कंपनी का है। बड़ा पशु अगर रहेगा तो 30 ml लगा दीजिए, 15 ml गर्दन के इस भाग और 15 ml गर्दन के इस भाग। छोटा पशु है, 2 कुंटल करीब है, तो उसको 15 ml लगाइए। अगर उससे भी छोटा है, 1 कुंटल करीब है, तो 7 से 8 ml लगाइए। किसान भाइयों, इतना इंजेक्शन आप अपने पशु को देते हैं तो वह जो डंक मार दिए हैं, जो करेट साफ है, जो बीस छोड़ दिए है, उससे राहत में आ जाएगी। उसके बाद जो आपको है हॉस्पिटल से एंटीवेनम नामक इंजेक्शन जो आता है, वह ला करके आप अपने पशु को दे दीजिए। लेकिन तत्काल में यह जो इंजेक्शन बताए हैं, यह इंजेक्शन ज़रूर दीजिए। किसान भाइयों, यह जो हम दवा बताए हैं, जो अगर पशु को क्रैट साफ काट ले तो यह जो दवा दीजिएगा, आपको यह दवा कैसा लगा, हम जो इलाज बताएं वह आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम जो भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार।